दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, उनका नाम है दिनकर सिंह, जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, दिनकर सिंह जी बताते हैं कि यह घटना सन 1997 की है। पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 65 भाई बहनों के साथ शांति कुंज हरिद्वार 9 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए आया था। सत्र बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जब हम पटना वापस जा रहे थे तो मेरे पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। सुबह जब घर पहुंचा तो उसी दिन शाम को असहनीय दर्द होने लगा, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था। घर के लोग परेशान हो गए। पिताजी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन तब तक मुझे होश आ गया था। परीक्षण के उपरांत पता चला कि हमें अपेंडिसाइटिस है। डॉक्टर ने दवा दी, उस दवा से दर्द कुछ कम हुआ। दूसरे दिन पटना के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार सिंह को उनके लक्ष्मी नर्सिंग होम राजापुर में जाकर दिखाया। उन्होंने भी कहा कि अपेंडिसाइटिस है। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट देखकर ऑपरेशन की सलाह ली गई। इस दौरान पेट का दर्द समाप्त हो चुका था, केवल पेट में भारीपन अनुभव हो रहा था। लक्ष्मी नर्सिंग होम में मेरा ऑपरेशन हुआ। जिस कमरे में मैं रह रहा था उसमें मैंने रैक पर परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी एवं गायत्री माता जी के चित्र को लगा देखा। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाते समय गुरुजी एवं माता जी से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करके गया था। ऑपरेशन के बाद होश आने पर डॉक्टर साहब मुझसे मिलने आए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका अपेंडिक्स 2 दिन पहले फट गया था, लेकिन एक झिल्ली उसके जहरीले मवाद को अपने पेट में फैलने से रोके हुए थी, इस कारण आप बच गए। मैंने गुरुदेव के चित्र की ओर देखा, मुंह से निकला, सब इन्हीं का कमाल है, लगता है अभी और कुछ काम कराना चाहते हैं मुझसे। डॉक्टर ने जानना चाहा, कौन है ये? मैंने गुरुदेव और गायत्री परिवार के बारे में संक्षेप में बताया। शांति कुंज के संजीवनी साधना सत्र के विषय में भी बताया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुदेव ने इसलिए इस समय मुझे संजीवनी साधना सत्र करवाई। यह बात भी मैंने डॉक्टर साहब को बताई। इसके बाद 10 दिन अस्पताल में और रहना हुआ। इस दौरान वहां के सभी लोग आत्मीय बंधु हो गए। इस प्रकार मेरी इस बीमारी के जरिए डॉक्टर बसंत कुमार सिंह जैसे परिजन गायत्री परिवार से जुड़े। जय गुरुदेव।